सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपार्थ और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं फिल्मोरा के बारे में। अगर आपको पता नहीं है फिल्मोरा क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं एडिट करके। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे इस लिंक देके रखा हूँ, इस एप्लीकेशन का लिंक देके रखा हूँ, आप वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे करके ये डाउनलोड होगा और कैसे ये यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक फॉलो करके आप अगर आते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइएगा। दोस्तों, आपको फिर से याद दिला देता हूं, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप यहां पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वो वीडियो को देख पाइएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसे करके फिल्मोरा यूज होगा। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई इट फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसका जो है फ्री वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना होगा। आप फ्री वर्जन को पहले चलाइए, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड बाय कर सकते हैं। तो मैं पहले से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो आपको डायरेक्ट ले चलता है इसका सॉफ्टवेयर पे। इसका सॉफ्टवेयर ओपन करने से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है आपका इस सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड और यहाँ पे है एडिटिंग पार्ट और यहाँ पे आपको प्रीव्यू स्क्रीन मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप कोई भी वीडियो या फिर कोई भी फोटोज लेके यहाँ पे एडिट करते हैं तो आपको ये प्रीव्यू स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फोटोज और वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हूँ। आप कहाँ से इसको इंपोर्ट कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए सिंपल सा और इंपोर्ट मीडिया फाइल। उसके बाद आप जिस लोकेशन पे कोई वीडियो या फिर फोटो रखे वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है म्यूजिक का ऑप्शन, आप अपना वीडियो पे कोई भी म्यूजिक अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, आप कोई भी टेक्स्ट अपना वीडियो में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा आप लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट पार्ट किया हुआ है, कस्टम, ठीक है, ओपनर, उसके बाद टाइटल, उसके बाद लोअर, बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उस हिसाब से इसको चला सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर दो वीडियो को ज्वाइन करना है या फिर फोटोज, एक वीडियो है एक फोटोज है, दोनों को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसके उसके लिए आपका ये ट्रांजिशन जरूरत होता है कि एक वीडियो खत्म हो गया और दूसरा वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है तो उस हिसाब से आपको ये ट्रांजिशन ऐड करना होता है। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा इस ट्रांजिशन का कैसे यूज करते हैं। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आता है, ओवरले, बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा अभी छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा अगर पहले बार यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल सा वीडियो बनाइए और धीरे धीरे इसको यूज कीजिए, उसके बाद आपको पूरा जो फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको कैसे करके, आपको सबसे पहले कोई भी अगर वीडियो आप यहाँ पे लाना चाहते हो तो आपको कैसे लाना होगा मैं दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, यहाँ पे ले आके यहाँ पे छोड़ दीजिए कोई भी वीडियो को, ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले से दो वीडियो लगा के रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है, बट मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ग्रीन स्क्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, बट ये आपका पीछे में ऐसे बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बताया, ये डैशबोर्ड से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेकेंड लेयर पे आप ले आइए, उसके बाद फर्स्ट लेयर पे कोई भी एक फोटोज या फिर वीडियोस जो आपको रखना है बैकग्राउंड पे उसको ले आके यहाँ छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ले आके फर्स्ट लेयर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको ये वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन है,
ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे मार्क कर दीजिए। मार्क कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको कलर जो है सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा कलर जो है हटाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आप अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपना वीडियो पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप जो आपको टेक्स्ट अच्छा लगे आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका वीडियो पे डाल सकते हैं। आपको और भी एक चीज दिखा देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन है बट इस टेक्स्ट पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो आइकन आपको जिस टेक्स्ट पे या फिर वीडियो पे या फिर म्यूजिक पे आपको जहाँ भी ये दिखेगा, ठीक है, उसका मतलब होता है ये अभी भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और इस पे अगर आइकन नहीं है यानी कि ये डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो आइकन दिखेगा तो उसके बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे नहीं है आप उस टेक्स्ट या फिर वीडियो या फिर म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर जरूरत है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको फ्री में। और यहाँ पे फिल्टर वगैरह ये सब आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। टेक्स्ट आप अगर अपना वीडियो में ऐड करना चाहते तो कैसे आपको टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई भी एक टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से आपको जो अच्छा लगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप आप ले आके जहाँ रखना चाहते हैं इस टेक्स्ट को आप वहाँ छोड़ दीजिए। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं, आप अगर देखना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कैसा लगेगा तो आप जो टेक्स्ट को देखना चाहते हैं आप उसका ऊपर डबल क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं कैसे दिखेगा ये टेक्स्ट। तो इसको सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आके छोड़ दीजिए आपको जहाँ रखना है, ठीक है। तो मैं देख आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले से एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप फिल्मोरा का यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।